कंडाघाट के तहत पड़ने वाली ग्राम पंचायत झाझा में कृषि विभाग कंडाघाट द्वारा दो दिवसीय सुभाष पालेकर शून्य लागत खेती पर जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में आए किसानों को प्राकृतिक खेती के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी दी गई। कंडाघाट के तहत पड़ने वाले झाझा गांव में दो दिनों तक चले इस जागरूकता शिविर के समापन मौके पर झाझा पंचायत के पूर्व प्रधान व सोलन भाजपा मंडल के कोषाध्यक्ष योगेंद्र वर्मा ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। दो दिनों तक चले इस जागरूकता शिविर के दौरान कृषि विभाग कंडाघाट से आई शैलजा चंदेल ने शिविर में आए किसानों को प्राकृतिक खेती के बारे में जानकारी दी। उन्होंने प्राकृतिक विधि से अस्त्र किस तरह और किस क्वांटिटी में बनेंगे, इसके अलावा किसानों को जीवामृत, घन जीवामृत, कड़वा अस्त्र, बीजामृत, अग्नि अस्त्र, ब्रह्मास्त्र के बारे में भी विस्तार से जानकारी दी। साथ ही किसानों को इस खेती के अंतर्गत सब्सिडी के बारे में भी जानकारी प्रदान की। झाझा के पूर्व प्रधान योगेंद्र वर्मा ने कहा कि कृषि विभाग द्वारा झाझा गांव में लगाए गए दो दिवसीय जागरूकता शिविर के दौरान गांव के किसानों को सुभाष पालेकर शून्य लागत खेती के बारे में जानकारी दी गई। उन्होंने कहा कि ऐसे जागरूकता शिविर समय समय पर विभाग द्वारा आयोजित किए जाने चाहिए। कंडाघाट द्वारा ग्राम पंचायत झाझा के झाझा गांव में दो दिवसीय सुभाष पालेकर शून्य लागत खेती के विषय पर कार्यशाला रखी गई, जिसमें लगभग 20 से 25 किसानों ने इस कार्यशाला में भाग लिया, जिसमें विभाग की तरफ से कुमारी शैलजा एटीएम कंडाघाट ने इसके जो इन्होंने यहां ब्रह्मास्त्र, जीवामृत, घनामृत और अग्निअस्त्र आदि जो दवाइयाँ है उसके विषय में जानकारी दी और लोगों ने भी यहाँ पर जानकारी ली। हमें विभाग से अनुरोध रहेगा कि आगे भी इस तरह के कार्यक्रम जो है वो पंचायत में लगाए जाए। धन्यवाद। सिटी चैनल के लिए कंडाघाट से ललित वर्मा की रिपोर्ट।